नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज की खबर चैनल में आज का हमारा इतिहास। हम आपको बताएंगे दोस्तों आज 10 मार्च है, 10 मार्च के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है, 10 मार्च के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन से महापुरुष है जिनका जन्मदिन है, 10 मार्च के रोज कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। हम आपको देने जा रहे हैं संपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं, पहले हम आपको यह बताते हैं आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको बताएं आज के दिन जन्म हुआ है उडुपी रामचंद्र राव का। उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ है 10 मार्च 1932 को। उडुपी रामचंद्र राव एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आज के दिन जन्म हुआ है माधवराव सिंधिया का। माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ है 10 मार्च 1945 को और इनका देहांत हुआ है 30 सितंबर 2001 को। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। आज के दिन जन्म हुआ है पद्मा खन्ना का। पद्मा खन्ना का जन्म हुआ है 10 मार्च 1949 को। पद्मा खन्ना बॉलीवुड फिल्मों की फेमस अभिनेत्री हैं। आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। आज के दिन देहांत हुआ है सावित्री बाई फुले का। सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ है 3 जनवरी 1831 को और इनका देहांत हुआ है 10 मार्च 1897 में। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थी। आज के दिन देहांत हुआ है मुकुंद राव आनंद राव जयकर का। जन्म हुआ है 13 नवंबर 1873 को और इनका देहांत हुआ है 10 मार्च 1959 को। मुकुंद राव आनंद राव जयकर एक न्यायाधीश थे। आज के दिन देहांत हुआ था आईएएस जौहर का। हम आपको बताएं दोस्तों आईएएस जौहर का पूरा नाम है इंद्रजीत सिंह जौहर। हम आपको बताएं आईएएस जौहर का जन्म हुआ था 16 फरवरी 1920 को और आईएएस जौहर का देहांत हुआ था 10 मार्च 1984 को। आईएएस जौहर बॉलीवुड के महान अभिनेता थे, एक हास्य अभिनेता थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है। 1876 आज के दिन अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था और दोस्तों पहली बार कहा था फ़ोन के ऊपर, मेरी आवाज़ सुनो, मैं अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो दोस्तों यह है आज का हमारा संपूर्ण इतिहास। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।